नमस्कार साथियों, क्रिएटिव कॉम्बिनेशन आबू मेरा ये यूट्यूब चैनल में मैं हर संडे कॉरपोरेट वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स और कॉरपोरेट वर्ल्ड की उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में मैं वीडियो लेके आता हूँ। देखिए, इस धरती में दो तरह का लोग होते हैं। एक सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं प्रॉब्लम्स की, और दूसरा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल के और प्रॉब्लम का जड़ में जाके प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग जो प्रॉब्लम का जड़ में जाकर उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, कामयाब इस दुनिया में वो होते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगता है। तो मैं कल इस अगला संडे मैंने बताया था, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में लीडरशिप की कमी है, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो लीडरशिप क्या होता है और लीडर को कैसे रहना चाहिए, लीडर कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ मैं अपना 20 साल के मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन फील्ड में मैंने जो लीडरशिप देखा और जो अनुभव देखा, वही अनुभव मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। लीडर कौन होता है, सबसे बड़ा सवाल, और लीडर के साथ एडुकेशन की क्या संबंध है, मेरा दूसरा सवाल। आज मैं ये दो ही सवाल आप लोगों को रखूंगा। मेरा विनती है, मेरा निवेदन है, जो लोग आप लोग कहीं भी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सेक्टर में आप लोग जो लीडरशिप कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा विनती है इसको आखिरी तक देखना। चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करना, नहीं पसंद आए सब्सक्राइब नहीं करने का, वीडियो पसंद लगे तो शेयर करने का, नहीं पसंद लगे तो शेयर नहीं करने का। मैं YouTube चैनल में अपने आप को लोकप्रिय करने के लिए नहीं आया, मैं आया सच्चाई सामने रखने के लिए। मैं आया जो प्रॉब्लम्स है, जो हमें दिखा हमारा छोटी नज़र से। खैर, हम तो कोई हाईली क्वालिफाइड नहीं है, अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया, लेकिन मेरे को जो प्रॉब्लम दिख रहा है, आने वाला समय इस प्रॉब्लम को अगर प्रॉपरली सॉल्यूशन ढूंढ निकाला नहीं जाए, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। और इस प्रॉब्लम को अभी से कॉरपोरेट वर्ल्ड को नज़र देना चाहिए। लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन, मैं आज आपको बता रहा हूँ लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का अंतर क्या है। आप बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं भी बन सकते हो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए एक नॉर्म्स और रूल्स जो भी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी गवर्नमेंट का, जो भी नॉर्म्स एंड रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटर कभी भी नॉर्म्स एंड रूल्स का फॉलो कर वायलेट नहीं करते हैं, जो भी नॉर्म्स एंड रूल्स है। और लीडर क्या होता है, लीडर कोई नॉर्म्स और रूल्स का उतना पालन नहीं करते हैं, वो इमोशनली काम करते हैं, इमोशनली। तो ये अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और अच्छे लीडर दोनों में बहुत अंतर है। लीडर क्वालिफाइड होते हैं या नहीं भी होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर को हमेशा क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर को सारी लॉज, जो भी कानून है, वो सब चीज़ का पता होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटर इज अ डिफरेंट और लीडर डिफरेंट। हमारे देश में अगर आप क्षेत्रीय राजनीति में देखें और नेशनल पॉलिटिक्स में भी देखें, बहुत सारी लीडर है जो हाईली क्वालिफाइड नहीं है, और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ इन लोगों के पास जो नेचुरल मैनेजमेंट स्किल है, उस नेचुरल मैनेजमेंट स्किल से वो आगे, इतना फॉलोअर, लाखों करोड़ों आदमी उनको फॉलो करते हैं, वो रीजनल लीडर को और नेशनल लेवल का भी। हमारा देश का वर्तमान प्रधानमंत्री को भी
करोड़ों करोड़ों आदमी फॉलोअर है उनका, वेब क्रिएट कर देते हैं ये लोग। अब मेरा सवाल ये है, क्यों कॉरपोरेट वर्ल्ड में ऐसा लीडर नहीं मिल रहा है जो कॉरपोरेट वर्ल्ड को एक योद्धा बना दे, जो मैन पावर है मैन पावर को एक योद्धा बना दे, सब लड़ाई लड़ेगा। आज सभी से हम, मेरा निवेदन है, ये वीडियो के जो बात बता रहा हूँ, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ ये सवाल नहीं है, सवाल जिस चीज़ को, जिस बात को मैंने उठाया वो ज़रूरी है। कॉरपोरेट वर्ल्ड में एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट में वेल इक्विप्ड है, लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं लीडरशिप की कमी है। जो मैन पावर आते हैं, उस मैन पावर कहाँ से आते हैं? सोसाइटी से आते हैं। सोसाइटी से वो कुछ कचरा भी लेके आते हैं। हमारे सोसाइटी इकोनॉमिकल, हम लोग सब एक तो नहीं है ना, इकोनॉमिकल पोजीशन किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा है, कोई ईर्ष्या करते हैं, कोई गुस्सा करते हैं, कोई दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सोसाइटी में हैं। और वो प्रॉब्लम्स जब उसको एडुकेशन में जब आ रहे हैं, वहाँ वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जा रहा है। एडुकेशन इंस्टीट्यूट सिर्फ डिग्रियाँ देके उसको निकल दे रहे हैं, और आप जो बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप कैंपस में जाके उसको उठा के ला रहे हो, आप भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास वो लीडर नहीं है जो इन लोगों का आइडियल बने और इन लोगों को जो भी कमियां हैं उसको दूर कर दे। साहब, आपका हाथ में यहाँ एक सफ़ेद दाग आया, सफ़ेद दाग, वाइट स्पॉट, आप क्या करोगे? आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कुछ मेडिसिन देगा और डॉक्टर का मेडिसिन का आप पालन करेंगे, कुछ दिन बाद आपका वो सफ़ेद दाग सही हो जाएगा। ठीक ऐसा ही जो ये मैन पावर है, जिसके भीतर ईर्ष्या है, गुस्सा है, अहंकार है, दूसरे को दबाने का मानसिकता है, लोगों से अच्छी तरीका से पेश होने का कोई मंशा नहीं है, ये तमाम जो क्वालिटीज़, ये क्वालिटीज़ के भीतर कॉरपोरेट वर्ल्ड का 15-20% कॉरपोरेट वर्ल्ड का, आप मानो या नहीं मानो, इसका कोई डेटा नहीं होता है साहब, ये 15-20% डेडिकेशन नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है, कंपनी के प्रति कोई इमोशन नहीं है, कंपनी के लिए कोई ड्रीम्स नहीं देखते हैं, इसी में जुड़ा हुआ है प्रॉब्लम्स। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, सिर्फ कॉरपोरेट वर्ल्ड में एक लीडर की ज़रूरत है, जिस लीडर फ्रंट में आके ये प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। हमारे पड़ोसी देश में बहुत सारी आतंकी संगठन है, गैर कानूनी काम करते हैं, लेकिन अपना फॉलोअर्स को वो मरने के लिए तैयार कर देते हैं साहब, और हम लोग 8 घंटा काम, हम कौन सा लीडर है जो हम वर्कर को 8 घंटा काम नहीं करवा सकते हैं। लीडरशिप का सबसे बड़ा खासियत, आप चाहे कोई भी क्षेत्रीय लीडर को, मैंने बहुत लीडर को नज़दीक से देखा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लीडर जो होते हैं उसका हार्ट बहुत ओपन हार्ट होते हैं, किसके लिए? फॉलोअर्स के लिए। उनका दुश्मनी है दूसरे लीडरों से, वहाँ वो जंग लड़ते हैं, लेकिन जो फॉलोअर्स होते हैं, नीचे का जो फॉलोअर्स होते हैं, उसके लिए वो बहुत ओपन हार्ट होते हैं, बहुत, और इसीलिए फॉलोअर्स उसको समझते हैं। तो इसीलिए लीडर कॉरपोरेट वर्ल्ड में जो CEO है, जो VP है, जो इसका ज़रूरत है, ये एडुकेटेड है, ये सब कुछ ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये लीडर नहीं है। लीडर तो आएगा नेचुरल मैनेजमेंट स्किल से, कहीं ना कहीं लीडर तो कंपनी का उतना नॉर्म्स के आधार पर नहीं चलेगा, वो एक इमोशन वे में काम करेगा। बात को गहराई से समझना साहब, जब तक आप लीडर नहीं पैदा कर पाएंगे, क्यों जापानीज इकोनॉमी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्यों जापानीज इकोनॉमी इतना आगे चला गया, आज शायद वर्ल्ड का नंबर
थर्ड या फोर्थ पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो लीडर है, जो ओनर है, जो सीईओ है, जो एमडी है, वो खुद भी ऐसे काम करते हैं आप यकीन नहीं कर सकते हो। ज़रूरत पड़े, मैं एक YouTube में वीडियो देख रहा था, जो ओनर को मिल नहीं रहा प्लांट में, तो कहाँ है ओनर, कहाँ है जो नया काम करने गया, वो ढूंढ रहा था ओनर को, तो देखा ओनर गटर से निकल रहे। तो ओनर के लिए गटर सब करना, गटर का प्रॉब्लम देखना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड से अगर ईर्ष्या, गुस्सा, अहंकार और मिसबिहेव हटा दिया जाए और उसके रिप्लेसमेंट डेडिकेशन, वेल मैनर, सबके साथ मिल के काम करना, सबके साथ जोड़ के काम, सबको लेकर काम करना, एक अच्छे व्यवहार, कस्टमर, क्लाइंट, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो उसको भगवान के रूप में देखना, जो भी हो वैल्यू के माध्यम से नहीं, इस तरह का वर्क कल्चर अगर एक कंपनी में आप लाओ तो कहीं नहीं जाएगा। ये जो मैन पावर चले जाते हैं ये कहीं नहीं जाएगा, मैन पावर भी चाहते हैं। ये थोड़ा सोसाइटी की प्रॉब्लम है, ये चंद पल में ठीक हो सकता है साहब, इसके लिए लीडर की ज़रूरत है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा के रखे हैं वो लीडर नहीं है, वो आपको डेटा में काम करेगा, वो आपको रूल्स एंड नॉर्म्स को फॉलो करेगा, लेकिन ही इज नॉट ए लीडर। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड को एक टीम को मोटिवेट करने के लिए एक लीडर की ज़रूरत है, परमानेंट लीडर की ज़रूरत है, और वो लीडर का हार्ट ओपन होना चाहिए, वो अपना रिलेटिव समझे मैन पावर को। बहुत सारी काम है, वीडियो बहुत ज़्यादा होते जा रहे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। और मैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना, बहुत बहुत शुक्रिया। हर संडे मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। आज जो मैंने बताया, बहुत गहराई से इसको सोचना, जो लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटर, पश्चिम बंगाल के बहुत सारी लीडर आते हैं जो वो विरोध का राजनीति बहुत अच्छे कर सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन पीछे ये जो तस्वीर देख रहे ये मास लीडर नहीं है, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी जी, ये मास लीडर नहीं है, लेकिन ये ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर है। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, सब कुछ ये समझते हैं, पॉलिटिकल साइंस समझते हैं, सारे चीज़ ये समझते हैं, लेकिन मास लीडर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है, ये मास लीडर नहीं है। तो लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों में बहुत अंतर है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए। नमस्कार।